नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए अब तैयारियां शुरू हो गई हैं, पार्टियां अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी हैं और इसी क्रम में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ और अपनी पार्टी के जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ मंगलवार को एक बैठक की और उन्हें 2024 के चुनाव का मंत्र भी दिया, जीत का मंत्र दिया और साथ ही उन्हें कुछ नसीहत भी दी। अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट से कहा कि वो विवादित मुद्दों पर बयान न दें और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तोल मोल कर वो अपनी बातों को रखें। बीजेपी के बारे में उन्होंने कहा कि झूठा प्रचार करती है और उसके जाल में आप न फंसें और साथ ही उन्होंने कहा कि विवादित मुद्दों और धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से परहेज करें। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुई इस बैठक में 60 से अधिक पार्टी के प्रवक्ता और पैनलिस्ट शामिल हुए। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव भी मौजूद थीं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी झूठ तंत्र में माहिर है, ऐसे में जरूरी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल किया जाए, बीजेपी की बातों को तोल मोल कर मजबूती के साथ जवाब दिया जाए, बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करने में देरी न हो। उन्होंने पार्टी प्रवक्ताओं को टिप्स दिए कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखी जाए और विवादित मुद्दों से दूर रहें, बीजेपी के जाल में न फंसें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करें, बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, आवारा गौवंश से हो रहे नुकसान को मुद्दा बनाएं और बीजेपी के दुष्प्रचार का आक्रामक अंदाज में काउंटर करें। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाया जाए और समाजवादी पार्टी सरकार में हुए विकास के कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन करके बीजेपी को घेरा जाए, साथ ही जनता को समाजवादी पार्टी के सरकार के कामों के बारे में भी बताया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर बोलने से बचना है क्योंकि बीजेपी इसके जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेगी। बैठक में डिंपल यादव ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का पर्दाफाश करें, आज लोग बुलडोजर और बुल दोनों से परेशान हैं, जनता की इन तमाम परेशानियों को उजागर किया जाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने एक बार फिर यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं से जी जान से जुटने का आह्वान किया है। तो 2024 के चुनाव को देखते हुए अब तैयारियां समाजवादी पार्टी ने भी शुरू कर दी हैं। 80 सीटों पर जीतने का लक्ष्य रखा है और इसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर पार्टी का जो बयान है, पार्टी की जो सोच है, वो किस तरह से रखा जाए ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो, इसके बारे में खासतौर से निर्देश दिया गया पार्टी के प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट को। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। नमस्कार।